फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मखाने की सब्ज़ी। तो जो कि कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई हमारे घर पे फंक्शन हो, तो ये यूनिक सी रेसिपी आप ट्राई कीजिए ज़रूर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम होने रख दिया था पहले ही, और यहाँ पे थोड़ी सी हींग मैंने यूज़ की है। बाकी इन्ग्रीडियंट्स आपको साइड में मिल जाएंगे देखने के लिए। थोड़ा सा ज़ीरा लिया है यहाँ पर, तो करीब आधा टी स्पून हमने ज़ीरा ऐड किया है यहाँ। और दो छोटी चम्मच हम यहाँ धनिया पाउडर डालेंगे, इनको अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे ऐड करेंगे आप थोड़ी सी हल्दी, तो इनको अच्छे से मिक्स कीजिए। और यहाँ पे मैंने दो टमाटर को ग्राइंड कर लिया था अच्छे से, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसमें आधी प्यूरी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ और आधी बच गई है। इसको अच्छे से मिक्स करिए आप, मसाला जो है हमारा वो जले ना, और गैस जो है वो हमारी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे होनी चाहिए। तो यहाँ अच्छे से इसको मिक्स कीजिए जब तक कि हमारा जो मसाला है वो ऑयल ना छोड़ने लगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, और इसमें अच्छे से टेक्सचर लाने के लिए, इसका कलर एकदम अच्छा सा लाने के लिए यहाँ पे एक छोटी चम्मच चीनी डालेंगे। तो चीनी आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप अच्छी लगती है आपको सब्ज़ी में खाना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और इसको अच्छे से हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे मसाला। जब तक हमारा अच्छे से नहीं बनेगा तब तक ये सब्ज़ी भी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो मसाले को अच्छे से हमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि मसाला जब तक हमारा अच्छे से भुनेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पे जो हमने मखाने और किशमिश का यूज़ किया है, तो इनको मैंने पहले बॉईल कर लिया था पानी में। तो आप 2 से 3 मिनट लगते हैं इनको बॉईल कर लीजिए, या फिर आप इनको भिगो के भी रख सकते हैं। पर अगर आपको जल्दी है ये सब्ज़ी बनाने की, तो आप इसको जल्दी से बॉईल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भिगो के रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। और यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, अगर आपको सूखी सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इसमें बिना पानी डाले ऐसे ही इसको पका के और सर्व कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, लगभग 1 कप के करीब मैंने यहाँ पानी ऐड किया है। और मैं इसको अच्छे से यहाँ चला दूँगी। और 5 मिनट के लिए आप इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं आपकी सब्ज़ी को। देखिए, अच्छे से बॉईल हो चुकी है और अच्छे से पक चुकी है हमारी सब्ज़ी। तो अगर आप इसमें कुछ अलग मसाले ऐड करना चाहते हैं जो आपके घर में यूज़ किए जाते हैं, तो आप वो मसाला ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर ऑनली गर्म मसाला ऐड करूँगी थोड़ा सा, और इसमें आप तीखा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तीखा स्किप किया था। आप इसको जब हम टमाटर की प्यूरी डालते हैं उससे पहले आप हरी मिर्ची या रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो यहाँ मैंने सर्विंग बाउल ले लिया है और उसमें मैं ये सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर लूँगी। और गाइस, पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ आप इसको खाएं, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है ये। तो एक बार आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे आप अपना जो है वो बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बस यहाँ पे थोड़े से मलाई, फ्रेश मलाई है मेरे पास, तो उससे मैंने हल्का सा गार्निश कर दिया है, ज़्यादा यूज़ नहीं की है। तो देखिए, हमारी सुपर टेस्टी सब्ज़ी बन के मखाने की तैयार है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।